बिहार म्यूजियम के पीछे मिली शराब की 31 बोतल। भवन निर्माण के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, खाली बोतलें ही तो मिली, पीते तो नहीं पकड़ाया। नालंदा में दो गांवों के बीच गोलीबारी में एक घायल। किराना व्यवसायी के पुत्र को गर्दन में लगी गोली, जख्मी हाल में PMCH रेफर। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल के दो वाहनों ने पाया आग पर काबू। समस्तीपुर में स्कॉर्पियो बाइक की टक्कर में एक की मौत, बाइक पर थे दो युवक। स्कॉर्पियो ने सामने से मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत। मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में बनेगा मैट्रिक इंटर परीक्षा का स्ट्रांग रूम, फरवरी में आयोजित होगा परीक्षा। DM ने सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दिया निर्देश। बेतिया जिले में 44 कोरोना संक्रमित मिले, आंकड़ा 523 पर पहुंचा, फिर भी लापरवाही जारी। अनदेखी की हद पर तिरहुत नहर पर महीपुर भतौरा के पास 40 साल से है बिना रेलिंग का पुल, हर माह हो रहे हादसे। बच्चों के वैक्सीनेशन में संक्रमण मना बाधा, पटना में फ्लू और सर्दी बुखार के कारण बच्चे नहीं ले रहे वैक्सीन, अब चलेगी टीका एक्सप्रेस। बिहार के नालंदा में शराब पीने से 6 की मौत, परिजन बोले रात में शराब पीकर सोए थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और जान चली गई, दो गंभीर। पटना सिटी में व्यक्ति का शव बरामद, शुक्रवार शाम से ही लापता था, एक दिन बाद तालाब में पड़ा मिला शव। BPSC ने निकाली नए साल की पहली वैकेंसी, सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन विकास पदाधिकारी के 286 पदों पर मांगा आवेदन, 10 फरवरी तक मौका। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का PTA 29 जनवरी को, BPSC ने जारी की तिथि, 21 जनवरी तक कर सकेंगे आपत्ति, 7 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड। पीक की तरफ कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही देखिए, मास्क नहीं लगाने के तरह तरह के बहाने बना रहे लोग, जुर्माना दे रहे लेकिन नहीं लगा रहे मास्क। 9 स्वास्थ्य कर्मी व 7 रेल कर्मी कोरोना पॉजिटिव, मुजफ्फरपुर में 5251 लोगों का लिया गया सैंपल, स्वास्थ्य व रेल कर्मी समेत 198 संक्रमित। गोपालगंज में बदमाश ने दुकानदार को मारी चाकू, 200 रुपए मांग कर कहा गूगल पे करता हूँ, बाद में देने से मुकरा, विवाद में किया घायल।